तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम ऐप को किस तरीके से चला सकते हैं और दोस्तों इंस्टाग्राम ऐप को कैसे यूज़ करते हैं, तो पूरी तो स्टेप बाई स्टेप पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब टेक रियाज पर। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इंस्टाग्राम ऐप को कैसे चला सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को किस तरीके से चला सकते हैं। तो इंस्टाग्राम ऐप को चलाने के लिए आपको सबसे पहले तो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब जैसे ही आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो इस तरीके से आपको इसका होम पेज देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर ये जो होम पेज है, अब दोस्तों यहाँ पर जितने भी आप फ्रेंड को यहाँ पर फॉलो करते हैं और वो यहाँ पर वीडियो पोस्ट वगैरह और वो यहाँ पर वीडियो फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पर पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप उनको देख सकते हैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके। तो यहाँ पर जितने भी फ्रेंड को आप फॉलो करते हैं सभी फ्रेंड की यहाँ पर पोस्ट वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ सिलेक्ट करके। और दोस्तों यहाँ पर आप अपने भी वीडियोस फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो सर्च वाला ऑप्शन है, अगर आप इसमें क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी रील्स वीडियोस फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं और लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रील्स वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जितनी भी रील्स वगैरह हैं वो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके। तो यहाँ पर जितनी भी रील्स है वो सभी रील्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप फॉलो भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर फॉलो का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप फॉलो भी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर लाइक आप कर सकते हैं, कमेंट आप कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ऊपर की साइड में आपको कैमरे वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप रील्स वगैरह आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर रील्स का ऑप्शन है और यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि आप अपनी रील्स में यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर प्लस वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप कोई भी अपना फ़ोटोज़ वीडियोस वगैरह आप यहाँ पर इंस्टाग्राम में पोस्ट कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर मैं कोई भी एक फ़ोटो आपको पोस्ट करके दिखा देता हूँ। तो कोई भी हम यहाँ पर एक अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप कोई भी म्यूज़िक वगैरह आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर म्यूज़िक वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं अपने फ़ोटो में। और यहाँ पर आपको सर्च वाला भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप म्यूज़िक सर्च भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर में आपको ऐड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम ऐड में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप ऐड में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाला भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप इफ़ेक्ट वगैरह भी अपने, तो यहाँ पर आप जो फ़ोटो सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आप इफ़ेक्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे इफ़ेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर डन में क्लिक कर देना है। तो जैसे आप डन में क्लिक कर दोगे उसी के साथ साथ यहाँ पर टैक्स वाला भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने फ़ोटो के ऊपर, कुछ भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करोगे तो यहाँ पर आप फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से करके कोई भी आप यहाँ पर फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको डन में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डन में क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आप फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से करके। तो यहाँ पर आप स्टिकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर आपको मिल जाएंगे, आप स्टिकर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको सर्च वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आप स्टिकर सर्च भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट में क्लिक कर दोगे और उसके बाद यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर टैग वगैरह आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर लोकेशन वगैरह आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
और यहाँ पर लोकेशन वगैरह आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर शेयर वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर शेयर में क्लिक करोगे और उसके बाद आप जो अपने फ़ोटो को पोस्ट करते हैं तो यहाँ पर तो यहाँ पर जो आप फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह पोस्ट करते हैं तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर लाइक कर सकते हैं, कमेंट आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने फ्रेंड को सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको सेव वाला भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको सेव भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर योर स्टोरी आपको मिल जाएगी, अगर आप अपनी स्टोरी पोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर योर स्टोरी का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स को आप फॉलो करते हैं उन सभी की स्टोरीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आप फ्रेंड को फॉलो करते हैं तो जो सभी स्टोरी यहाँ पर पोस्ट करते हैं उन सभी की स्टोरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप अपनी स्टोरी ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर योर स्टोरी में क्लिक करना है। और जैसे ही आप योर स्टोरी में क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो भी आप स्टोरी वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो स्टोरी आ जाएगी, आप यहाँ पर स्टोरी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हार्ट वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो भी पोस्ट वीडियोज़ वगैरह आप इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं तो उन पर जो भी लाइक करता है तो वो सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सभी नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप प्रोफाइल में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। उसी के साथ साथ कितनी आपने यहाँ पर पोस्ट की है वो पोस्ट आप देख सकते हैं और कितने लोगों को आप फॉलो करते हैं वो सभी फॉलो आप यहाँ पर देख सकते हैं और कितने लोग आपको फॉलो करते हैं वो
और कितने लोग आपको फॉलो करते हैं वो सभी फॉलो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और कितनों को आप फॉलोइंग करते हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी के साथ साथ एडिट प्रोफाइल वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद जितनी भी आप पोस्ट वीडियोस वगैरह आप यहाँ पर और जितने भी आप यहाँ पर वीडियोस फ़ोटोज़ वगैरह आप यहाँ पर पोस्ट करते हैं वो सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ रील्स में अगर आप क्लिक करते हैं तो जितनी भी रील्स आप पोस्ट करते हैं तो वो रील्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप प्लस वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप रील पोस्ट स्टोरी हाईलाइट लाइव गाइड, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर थ्री लाइन में अगर आप क्लिक करते हैं तो थ्री लाइन में भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को चला सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।